नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अवेयर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे आप सभी, और आप सभी के जो रिजल्ट आए हैं उससे आप लोग एक तरह से कल संतुष्ट तो होंगे ही होंगे, और होना भी चाहिए। जितना आपने किया है उतना आपको मिला है। हम बात करने वाले यहाँ पे, देखिए पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जो सॉरी सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हुए थे उनका रिजल्ट आज शायद अनाउंसमेंट हो जाए, और हो भी गया होगा शायद, मे भी, अभी हम चेक नहीं किए हैं। अगर हो गया हो तो फटाफट आप लोग मतलब कि एक तरह से चेक करते रहिए, वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, मे भी आपका भी ओपन हो जाए। कल ऐसे ही हुआ था इन लोग के साथ भी, 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ था। अचानक से रिजल्ट खुला था, कहा गया था एक दिन बाद, लेकिन पहले से ही खुल गया था। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहिए, सुनिएगा सारी बातों को और समझिएगा। सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हर एक के बारे में कमेंट कमेंट सारे बच्चों का लेंगे। और रह की बात कर लीजिए कि बच्चों, अगर आप लोग लाइव क्लास एक दिन हम करते हैं, फिर उसके बाद हम सारे क्लासेस के बारे में भी जानकारी देते हैं, यूपी टेट के और प्लस डीएल टेट के, अदर समय जो आगे आने वाले सेमेस्टर हैं, ठीक है ना। ठीक है, 2019 बैच के बच्चे जो पास हो गए हैं उनके लिए बहुत 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 बधाई भाई। आप लोग फोर्थ सेमेस्टर बच्चे क्लियर कर लिए अपना, बहुत अच्छी बात है। और अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट अपना यूपी टेट और सुपर टेट बना के रखना है। और रही बात, अगर आप सी टेट क्लियर हैं तो आपको डीएसएसबी आगे आने वाला है, डीएसबी उसका टारगेट बना लीजिए, डीएसबी केवीएस का। मतलब मस्त, अगर आपको एक किसी भी शिक्षक जगत में किसी भी जॉब को क्लियर करना है तो डीएसबी की अगर आप तैयारी करते हैं तो हर एक एग्जाम क्लियर करते चले जाएंगे आप, ठीक है ना। और रही बात टारगेट, आप अपना यूपीटेट बना के रखें, यूपीटेट निकालेंगे तभी तो आगे आगे मामला आपको क्लियर नजर आएगा। अगर सीटेट क्लियर है तो लग सकते हैं आप डीएसबी के लिए, ठीक है ना। पहली बात है जो बच्चे पास हो गए फोर्थ सेमेस्टर, अब मान लीजिए जिन बच्चों का थर्ड सेमेस्टर में बैक है, उनका केवल एक ही बैक है, 2019 बैच के हो या फिर अदर बैच के हो, थर्ड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक है, अगर उसमें चांस बचा हुआ है तो आपका एग्जाम मई के मिड में हो जाना चाहिए। जो एक मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो एक वे है एग्जाम कराने का इनका, छः छः महीने पे, पाँच महीने के एंड में, तो मतलब 6 महीने के एंड में एंड तक एग्जाम करा लेते हैं लगभग लगभग, कल ये रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। यह चीज़ें आती है लेकिन यह कराते नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, क्योंकि भाई शिक्षा प्रणाली हमारी डीएलएड वाला जो ये चीज़ें हैं ना, ये संस्था बिल्कुल खराब है, इसका मैं यह मतलब समझिएगा थोड़ा सा, वो डिले करती है हर बात को लेके। तो समझिएगा अगर मिड मई तक आपके एग्जाम हो जाए तो बढ़िया है, मिड मई आप टारगेट करके चलिए, मिड मई तक आपके एग्जाम शेड्यूल हो सकते हैं, इतना तो मान के चलिए भाई। आगे 15-20 दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं आपके एग्जाम शेड्यूल होने में, ठीक है ना। तो एग्जाम की तैयारी में आप लग जाएंगे और उसी समय बैक वाले बच्चों का भी एग्जाम हो जाएगा, बैक वालों का, प्रत्यावेदन वालों का अगर बात क्लियर होता है उधर तो उनका भी होगा, अन्यथा कंडीशन में उनका आगे टलता चला जाएगा। और अगली बात, जिन बच्चों का इस फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया है, फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया, उनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है भाई, ये बातें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, 2021-22 बैच के बच्चों का जो रिजल्ट है आज अनाउंसमेंट हो सकता है, आप लोग देखते रहिए अपना, विजिट करते रहिए, मैं भी हो भी चुका हूँ, ठीक है ना। अभी मैं जस्ट ही वीडियो बनाने का प्रयास किया, अभी चेक किया था तो विजिट किया तो नहीं हुआ, लेकिन आप लोग विजिट करते रहिए, ठीक है, ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं आते ही मैं तो बनाऊंगा ये वीडियो। और अगली बात, 2021-22 के बच्चों का जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है कब हो जाएगा सर, तो मई के मिड तक बच्चों। अब इसमें कोई क्या कहेगा मुझे मई में सर एक तरह से जाना है, भैया के इकलौता भाई है मेरा, उसमें शादी में जाना है, इकलौता बहन है उसकी शादी में जाना है, भाई देखिए अपनी लाइफ से बड़ी कुछ भी नहीं होता, भाई से बाद में मिल लोगे, हाँ आप तो ये कहोगे जाहिर सी बात है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपके न जाने के लिए मैं आपको यही समझूंगा आप न जाओ, भाई आपके आपके भविष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, आपके भाई से जो शादी हो रही है ना तो उनसे पूछेंगे कि आज मैं भाई साहब आज मेरा एग्जाम है तो मैं एग्जाम दूँ कि आपकी शादी में जाऊँ, तो शायद वो यही बोलेंगे आप तू अपना एग्जाम दे पहले, मैं तो रहूँगा ही रहूँगा, मेरे शादी में नहीं आ सकता तो कम से कम फंक्शन में, मतलब जो एक तरह से फंक्शन होता है ना उसके बाद शादी के बाद भाई क्या होता है ना उसके उसमें तो जा ही सकते हो आप, समझ रहे हो ना, तो उसमें जाओ अटेंड करो उसको, भैया भाभी तो वही रहेंगे, ठीक है, भागने वाले कोई नहीं है, बस यह है कि मौज मस्ती थोड़ा सा कम करेंगे, अगर सामने एग्जाम है तो एग्जाम पे फर्स्ट प्रियोरिटी हमारा रहना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें, डीएलएड क्लासेस कहाँ मिलेंगे आपके सारे सेमेस्टर, जो बच्चे का थर्ड सेमेस्टर में बैक है, कल बच्चे पूछ भी रहे थे तो हम टेलीग्राम पे भी शेयर किए, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, है ना, इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हैं, वहाँ से आप ले लीजिए, और नहीं तो करंट हेवन सर्च करेंगे, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़कर आप शेयर भी करिए, ठीक है, जहाँ 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 तहाँ शेयर करना है शेयर करिए, इस वीडियो को भाई शेयर करिए फटाफट। डीएलएड क्लासेस के लिए बात करें, भाई प्ले लिस्ट में आप सभी आ जाइए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लें, चाहे सेकंड की बात कर लें, चाहे थर्ड की, चाहे फोर्थ की, अगर अभी हम कम्युनिटी भी लगाने वाले हैं, ऐसे मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि सर आपकी क्लासेस से पढ़कर मैं 24 नंबर लेकर आई हूँ, मज़ा आ गया भाई, सच बताए 25 में 24 मैथ में कोई कितना भी मेहनत कर ले भाई, है ना,
कोई कितना भी मेहनत कर ले, अगर जबरदस्त मेहनत नहीं होगा तो इतना नंबर तो नहीं आने वाला पहली बात है। कोई सोर्स वाला काम जो कर रहे हो, बच्चे सोर्स लगा होगा ना, सोर्स लगाकर 24 नंबर नहीं लाया जाता, सोर्स लगाकर आप 18 20 पास ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो समझ रहे हो ना, 24 मतलब रिस्की वाला काम हो जाएगा। और अगली बार 24 लाना अपने आप में काबिलियत तारीफ है, ठीक है, 25 में तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि परसेंटेज भी अच्छे लेकर आए, 90 92 89, बहुत अच्छा अच्छा है परसेंटेज, 89 89 से ऊपर जितने बच्चे हैं सबका परसेंटेज अच्छा है, ठीक है ना। और रही बात आपके क्लासेस, आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, सारे बच्चों के सभी सेमेस्टर के क्लासेस, मैथ फिजिक्स मैथ साइंस और सामाजिक अध्ययन, इन तीनों का क्लास और प्लस सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा दिए हैं, आप आकर देखिए तो सही मालिक। चलिए इसके बाद यूपी टेट क्लासेस, यूपी टेट की क्लासेस भी हमने कंप्लीट करा रखे हैं, मात्र संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट ईवीएस कंप्लीट है, आप लोग देखें। मैथ हमने 3 बार कंप्लीट करा दिया, देखें आप सभी, प्रीवियस पेपर करा दिया उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। और रही बात आपके हिंदी, हिंदी के लिए भी हमने कंप्लीट सेशन दिए हैं, मैराथन दिया है, बेसिक दिया है, प्लस हमने एक तरह से कहिए प्रीवियस पेपर दिया है, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 100 100 200 200 मतलब 300 300 क्वेश्चन तक हमने एक टॉपिक पर कराया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इन सबको लेके, ठीक है, उस सबको आप देखेंगे। धन्यवाद।